हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम GPS इलाहाबाद। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वेस्ट वाटर एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपका टॉपिक है RCC सर्कुलर सीवर। देन क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि एक वृत्ताकार, यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्टली क्वेश्चन, एक वृत्ताकार एक वृत्ताकार या सर्कुलर सीवर का एक्स सेक्शन खींचे या खींचिए जब सीवर का निर्माण RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से किया गया हो। तो फिर क्या करते हैं, फर्स्टली सीवर बनाते हैं सर्कुलर। तो सर्कुलर सीवर के लिए हम क्या करेंगे कि पहले एक सर्कुलर, अच्छा इसका डाया यहाँ पे दे रखा होता है, उन लोगों ने डाया दे रखा होगा। यहाँ हम ले रहे हैं 800 mm। देन फिर एक सर्किल बनाते हैं पहले, ये क्या है आपका एक सर्किल बन गया, इसका डाया क्या है 800 और रेडियस कितनी है इसकी 400, R=400। देन ये हम इसको पूरी तरह सर्किल बना देते हैं। ये आपका एक सर्किल बन गया। फिर कहते हैं इसकी थिकनेस है RCC 1 to 4 60 mm, मतलब हम 60 mm थिकनेस पे एक इसका आउटर सर्किल बना लेते हैं। बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 60 प्लस कर दे देंगे डाया में, रेडियस में कितना कर देंगे 30 प्लस, तो फिर वो क्या हो जाएगा इसका आउटर सर्किल। यह हो गया आपका आउटर सर्किल बन गया। अब क्या करते हैं हम इसको इनवर्ट लेवल पहले बाद में बनाएंगे, पहले इसके अंदर का बना लें। आपको पता है इसकी रेडियस है इसकी 400, फिर क्यों, क्योंकि 60 थिकनेस पे था। देन वी नो दैट कि जहाँ पे अब इन्होंने क्या है किया है, लॉन्गिट्यूडनल पास प्रोवाइड करी है 18 गॉज की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा डार्क में कितनी डिस्टेंस पर लेना है मैं अभी आपको बताऊँगी, पहले बना दूँ इसको। ये बोला है कि 60, ये है आपका RCC है कितना 1:2:4 में कंक्रीट में, और ये 60 mm थिकनेस पर है, तो यहाँ से हमारा ये चीज़ पूरा कितना है 60। फिर क्या है, जब इनर वाले डाय से 20 mm छोड़ के एक और सर्किल बना देंगे, इसको हम डार्क कर देंगे, क्यों, जो रिप्रेजेंट करता है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार, लॉन्गिट्यूडनल बार कितनी है 18 mm गॉज। तो क्या करेंगे आपको, कैसे पहले एक ये डाया बनाएंगे, ठीक है, इस डाया का एक सर्किल बनाएंगे 800 का, उसके बाद फिर क्या करेंगे 20 mm प्लस करके आप एक और सर्किल बना देंगे, उसको डार्क कर देंगे, उसके बाद 40 mm, क्यों, क्योंकि वी नो दैट कि क्लियर कवर जो होता है वो हमारा 40 mm का होता है, इसलिए क्या करेंगे जो बार प्रोवाइड कराएंगे हमें स्टील बार, उसके ऊपर 14 mm
सीमेंट कंक्रीट चढ़ाएंगे, फिर ये हमारा बन गया सर्किल। इसको बोलते हैं हम वायर मैस केज रेनफोर्समेंट। फिर उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, हमारा इन्वर्ट लेवल जहाँ पर आएगा, तो आप अब इसके नीचे क्या करना है आपको कि जहाँ पे इसका डाया, ये आया आपका सेंटर, वहाँ से आप ये डायमेंशंस इस तरह से ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए बेस प्रोवाइड कराना है फाउंडेशन का। तो देन उसके लिए क्या करेंगे कि हम कितनी नीचे तक ये कराना है ये हमें कैसे पता चले। तो ये कितना है आपका, टोटल इसके इससे नीचे कितना लेंगे आप, टोटल 150। इस 150 में कितना आएगा 60, तो ये नीचे बेस पड़ेगा आपका 90 का, ठीक। देन फिर क्या करेंगे, ये कितनी डिस्टेंस तक लेना है आपको हॉरिजॉन्टली, ये इस तरह से लेना है 1150 mm। फिर क्या करना है, उसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, अब आपको पता चलेगा कि ये आपकी कितनी डायमेंशंस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 50 है, और इनर डायर कितना है आपका 400, तो 400 और 50 कितना हो गया 550, ठीक। और ये आपका क्या है, सीमेंट कंक्रीट बेस। तो ये आपका एक सर्कुलर सीवर बनकर तैयार है, जिसको बनाया गया है RCC से। ये आपका फाउंडेशन है, यू नो दैट इसका रेशियो है सीमेंट कंक्रीट 1:6:12, ठीक। तो ये आपका बनके तैयार है। थैंक यू क्लास।